हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 और इंट्रोडक्शन हम मेरी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर सेवन अभी तक हमने 1-1 और 1-2 पढ़ा है, उसी के बारे में करेंगे हम आगे भी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। F इज 1-1 ऑन टू एंड बाइजेक्टिव। हमें बताना है कि F क्या है, 1-1 भी है, ऑन टू भी है एंड बाइजेक्टिव। जस्टिफाई F सच दैट R टू R फंक्शन है रियल टू रियल। डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। अब F दे रखा है R टू R इज डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। x1 x2 हमने दो एलिमेंट लिए x1 एंड x2 जो बिलोंग करता है R से, सच दैट एफ ऑफ x1 अप्लाई कर दिया एंड इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ x2 के। अब x1 अप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 + 4x1 इक्वल आ जाएगा 3 माइनस आएगा। भाई हमारे मैंने गलती से लिख रखा है बच्चे, माइनस 3 - 4x1 3 - 4x2। अब हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, -4x1 -4x2 माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, 1-1, क्योंकि जब हमारे पास दोनों वैल्यू इक्वल हैं तभी दोनों के फंक्शन पे वैल्यू भी इक्वल आ सकती है, तो क्या हो गया फंक्शन 1-1। फिर हमें क्या पुट कर क्या करना है, ऑन टू के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें देखना है कि y के सभी एलिमेंट्स की इमेज है इधर। तो अब तो हम इस एक एक को अप्लाई करके नहीं देख सकते, इसलिए हमारे पास क्या है, फॉर एनी रियल नंबर y इन R के अंदर हमारे पास कोई भी रियल नंबर ले लिया हमने y, देयर एग्जिस्ट जो कि इसके इक्वल होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल रख लेंगे 3 - 4x इज इक्वल टू वाई। यहाँ से x की वैल्यू निकाली मैंने, x की वैल्यू क्या आ जाएगी y, इसको इधर लेके आएंगे -3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई -4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 - y/4, क्योंकि नेगेटिव है ऊपर लेके गए पॉजिटिव कर दिया। अब जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसको फंक्शन में अप्लाई कर दो f ऑफ x, x की जगह हम ये पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा x की जगह हमने पुट कर दिया f ऑफ x की वैल्यू क्या निकाल दी, 3 - y/4 अप्लाई कर देंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास, 3 - 4x, 4 और x की जगह पुट कर दिया 4y/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 और -, +3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया, y आ गया। अगर ये y के इक्वल पुट किया था दोबारा से y के इक्वल आ जाता है तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन ऑन टू है। इसी तरह हमने अप्लाई करके दिखा रखा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। सो f इज, जब फंक्शन हमारे पास 1-1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो हम फंक्शन को क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, एफ ऑफ आर टू आर डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x² फंक्शन दे रखा है 1 + x² अप्लाई करेंगे x1 और x2 को अप्लाई किया हमने 1 + x² और इज इक्वल टू 1 + x² जब हमने फंक्शन के अंदर x1 और फंक्शन ऑफ x2 दोनों अप्लाई कर दिए तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, स्केयर से स्केयर कैंसिल, क्या आया x1 इज इक्वल टू +-x2। क्यों, क्योंकि हमारे पास माइनस का स्केयर करेंगे तब भी प्लस आएगा और प्लस का स्केयर करेंगे तब भी तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, f(x1, f(x2) डज नॉट इम्प्लाई दैट x1 = x2, फंक्शन इज नॉट ए 1-1, क्योंकि -1 का स्केयर करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा माइनस से, और +1 का स्केयर करेंगे तब भी 1 आएगा। कंसिडर एनी एलिमेंट -2, फिर हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया -2 इन कोडोमेन, कोडोमेन में हमने -2 एलिमेंट ले लिया, f(x = 1 + x² इज पॉजिटिव, बट जो f(x) है वो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्यों, क्योंकि x² की वैल्यू चाहे नेगेटिव पुट कर लेंगे तब भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और कोडोमेन में तो रियल नंबर में नेगेटिव भी होते हैं बट नेगेटिव की तो कोई हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी, इसलिए क्या बोल देंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन डोमेन R सच दैट f(x = -2, f इज नॉट ऑन टू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एंड बी सेट्स, ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, शो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी एक्सटेंड्स टू बी क्रॉस ए सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव के लिए 1-1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। एफ सच दैट ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए इज डिफाइन एज एफ ऑफ ए बी इक्वल आ जाए एफ ऑफ बी ए,
तो देखो ए और बी, ए वन और बी वन, ए टू और बी टू, दो एलिमेंट्स ले लिए, एक एलिमेंट सी हो जाएगा, एक एलिमेंट सी, दो एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ए है, जो हमारे पास डोमेन है वो ए क्रॉस बी है, दो एलिमेंट्स आएंगे तो दो एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इनसे, ए वन बी वन, ए टू बी टू, दो एलिमेंट्स ले ली जो ए क्रॉस बी में अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर देंगे एफ ऑफ ए वन बी वन इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ ए टू बी टू के, अप्लाई कर दिया हमने, क्यों, क्योंकि इसमें हमें यही दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ए बी हमारे पास ये किसके इक्वल आए, जब हमने इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, बी वन ए वन इक्वल टू बी टू ए टू, ये कब पॉसिबल है, जब बी वन किसके इक्वल है बी टू के, जब ए वन किसके इक्वल है ए टू के, अब ए वन और बी वन और ए टू और बी टू इक्वल हैं, ये इन्होंने पहले ही दे रखा है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या बोलेंगे फंक्शन कैसा हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, लेट बी ए, इसी तरह से फिर हमारे पास बी ए है वो बिलोंग करता है बी क्रॉस ए से, वो बी क्रॉस ए से बिलोंग करता है बी एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, तो ए बी है वो ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है, और बी है ए है वो बी क्रॉस ए से बिलोंग करता है, तो एफ ऑफ ए बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए के, बाई डेफिनेशन ऑफ एफ फंक्शन के जो डेफिनेशन से उससे आपने पढ़ी थी फंक्शन के डेफिनेशन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एफ लेट f such that n to n natural to natural be defined by fn is equal to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all n belongs to n, function is bijective, it can be observed, हमने observe किया कि f1 जब हमने 1 apply किया तो 1 plus 1 by 2 कितना आया 1, एंड एफ टू जब हमने टू अप्लाई किया, इवन अप्लाई किया हमने तो इवन के लिए फंक्शन एन बाई टू है, टू बाई टू कर दिया तब भी वन आया, अब देखो वन अप्लाई करने से भी वन आया, टू अप्लाई करने से भी वन आया, तो एफ वन इज इक्वल टू एफ टू, बट वन और टू इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नॉट ए वन वन, एफ इज नॉट वन वन आ गया। फिर केस फर्स्ट हमारा क्या है, n इज ए ओड, जब हमारे पास n ओड है, अगर n हमारे पास ओड नंबर है तो ओड नंबर को हम किस में लिख सकते हैं कि 2 का मल्टीपल में प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओड नंबर आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2r प्लस 1, फॉर सम r बिलोंग्स टू n, n नेचुरल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट 4r प्लस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू n, तो देखो 4r को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं ऐसे, n सच दैट फंक्शन ऑफ 4r प्लस 1, जब हमने फंक्शन में 4r प्लस 1 अप्लाई किया तो 4r प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, 4r प्लस 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 2r प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जब केस सेकंड में इवन ले लिया, इवन में भी हमारे पास ऐसे ही हो जाएगा, n इज इवन, n इज इक्वल टू 2r पुट कर लेंगे, r हमारा बिलोंग करता है n से, देयर एग्जिस्ट 4r है वो भी n से बिलोंग करता है, तो सच दैट 4r अप्लाई कर देंगे तब भी क्या आएगा 2r आएगा, लेकिन उधर अगर हमारे पास 3r है तो उसकी हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही तो फंक्शन इज ऑन टू हो जाएगा। इधर जो हमारे पास है जितने भी सेट्स हैं सभी की हमें इवन के लिए इवन निकाल दी और ऑड के लिए ऑड निकाल दी, तो सभी सेम सॉल्व कर सकते हैं, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, बट हमारे पास फंक्शन वन वन नहीं है, अगर वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं तब क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव, अदरवाइज नॉट, एफ इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए इज इक्वल टू आर, नेग्लेक्ट कर देंगे 3 को, आर हमारे पास ए के अंदर सभी रियल नंबर्स हैं, किसको एक्सेप्ट कर देंगे 3 को, एंड बी इज इक्वल टू आर एक्सेप्ट 1, कि आर में से हम 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, कंसीडर द फंक्शन, हमने एक फंक्शन कंसीडर किया एफ सच दैट ए टू बी, ए से बी पे डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन 2, अप्लाई करके देखो ए हमारे पास क्या दे रखा है, रियल नंबर है नॉट अलाउड 3, बी हमारे पास क्या है रियल नंबर है बट वन अलाउड नहीं है, तो एंड एफ है वो ए टू बी है, फंक्शन हमारे पास एक्स एंड वाई दो एलिमेंट लेके चल पड़े जो फंक्शन में हमने अप्लाई कर दिया, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री इधर कर देंगे वाई माइनस टू बाई वाई माइनस थ्री, अब हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस थ्री वाई माइनस टू के इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई एक्स की और इसकी माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई, थ्री टू जा प्लस सिक्स, एक्स वाई
माइनस टू थ्री वाई और माइनस टू एक्स और प्लस है सिक्स है, सिक्स से सिक्स कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री वाई माइनस टू एक्स, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स प्लस टू वाई, इधर क्या आया थ्री वाई प्लस टू एक्स, दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है, दोनों अगर इक्वल नहीं है तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा वन वन, x इज इक्वल टू वाई, अगर हमारे पास x और y इक्वल है तब दोनों की वैल्यू इक्वल हो सकती है, अदरवाइज दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर x की वैल्यू भी वन पुट कर दे y की भी वन पुट कर दे तब तो हमारे पास कंडीशन इक्वल आ जाएगी, अदरवाइज कंडीशन इक्वल नहीं आएगी, तो क्या बोल देंगे फंक्शन इज वन वन, लेट y बिलोंग्स टू b, फिर y है जो हमारा एक एलिमेंट ले लिया हमने y जो b से बिलोंग करता है बट r नेग्लेक्ट वन, देन y है वो वन के इक्वल नहीं हो सकता, इफ़ f इज ऑन टू, f हमारे पास ऑन टू होगा जब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था फंक्शन को y के इक्वल पुट कर लेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे फिर y वापस सप्लाई करेंगे, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली x माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई, इधर लेके आए मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू में क्या एक्स माइनस टू, एक्स माइनस इसको इधर ले आए एक्स वाई इज इक्वल टू इधर क्या आया, इधर लेके आए टू प्लस हो जाएगा माइनस थ्री वाई, एक्स कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा वन माइनस वाई, इधर लेके आएंगे डिवाइड में आएगा वन माइनस वाई बिलोंग्स टू ए जो कि ए से बिलोंग करेगा, अब देखो वाई बिलोंग्स टू बी है देर एग्जिस्ट, अगर वाई हमारा बी से बिलोंग करता है ये जो एलिमेंट है ये ए से बिलोंग करता है तो हम फंक्शन में एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे जो निकाल थी हमने f फंक्शन में x की जगह ये पुट कर दिया तो हमारे पास फंक्शन क्या था x माइनस टू, x की जगह क्या पुट कर दिया टू माइनस थ्री वाई बाई वन माइनस वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई x की जगह पुट कर दिया हमने टू माइनस थ्री वाई बाई वन माइनस वाई माइनस थ्री आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लिया वन माइनस वाई टू माइनस थ्री वाई, अब मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू वाई, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे वन माइनस वाई टू माइनस थ्री वाई माइनस थ्री और माइनस माइनस प्लस थ्री वाई, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा टू से टू कैंसिल थ्री वाई से थ्री वाई कैंसिल, माइनस थ्री वाई प्लस टू वाई माइनस वाई आ जाएगा और टू माइनस थ्री माइनस वन आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल वाई बाई वन क्या होगा वाई होगा, तो फंक्शन क्या हो गया ऑन टू क्योंकि हम उसको वाई के इक्वल लेके चले थे, फंक्शन में अप्लाई करने पर भी क्या आया वाई, तो फंक्शन ऑन टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लेट एफ सच देट आर टू आर बी डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, हमें प्रूव करके बताना है, तो हमारे पास x की पावर 4 है, जब भी रियल टू रियल है तो माइनस का अगर स्केयर करते हैं या 4 पावर करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है तो 1 1 तो हो ही नहीं सकता, तो f सच दैट r टू r इज डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू x की 4, लेट f x y बिलोंग्स टू r सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई बट x की पावर 4 इज इक्वल टू y की पावर 4, क्यों, क्योंकि माइनस वन की पावर 4 और 1 की पावर 4 दोनों किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई डज नॉट इम्प्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, सो एफ इज नॉट ए 1 1 एंड नॉट ए ऑन टू, और जब फंक्शन में हम x और y इक्वल पुट करें क्योंकि रियल टू रियल है तो नेगेटिव नंबर्स होंगे हमारे पास इधर, क्या नेगेटिव नंबर्स की किसी का 4 पावर करने से नेगेटिव नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता, तो क्या बोल देंगे ना 1 1 ना ऑन टू जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, लेट एफ है आर टू आर बी डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एफ एक्स हमारे पास 3x है और हमें प्रूव हमें बताना है कि 1 1 ऑन टू क्या है फंक्शन, एफ सज दैट आर टू आर इज डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एक्स और वाई दो नंबर लेके चलेंगे, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, 3x इज इक्वल टू 3y, 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू y, जब फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, आल्सो फॉर ऑल रियल नंबर्स y इन को डोमेन r, r के अंदर भी होंगे, तो जब हमने इसको 3x इज इक्वल टू y अप्लाई कर लिया x की वैल्यू क्या आई y बाई 3, फंक्शन में अप्लाई कर देंगे y बाई 3, 3 और x की जगह क्या पुट कर देंगे y बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा y के इक्वल आ जाएगा, y ही पुट करके चले थे y के इक्वल आ गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास से ऑन टू, तो क्या बोल देंगे f इज ऑन टू, हमारे पास क्या हो जाएगा पार्ट a, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। ओके थैंक यू।